कोरोना की दूसरी लहर में कालाबाजारी हावी, पैरासिटामोल से लेकर मास्क सैनिटाइजर भी बाजार से गायब। कोरोना की दूसरी लहर के सामने जहां लोगों की जान बचाना ही बड़ी चुनौती बना हुआ है, वहीं इस आपदा काल में भी लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। आलम कुछ ये हो गया है कि दतिया जिले में तो मेडिकल की दुकानों से कोरोना से संबंधित सिम्टम्स को दूर करने वाली आवश्यक दवाएं ही गायब हो गई हैं। और तो और मेडिकल पैरासिटामोल, सिट्रिजिन जैसी दवाएं और नेमुलाइजर, मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ ऑक्सीमीटर जैसे सर्जिकल उपकरण भी उपलब्ध नहीं है। इस बारे में पड़ताल के बाद ये तथ्य निकलकर सामने आए कि कुछ दवाएं तो कंपनी और उनके डीलरों द्वारा ही उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और कुछ दवाएं स्टॉकिस्टों ने रोक रखी हैं, जिस वजह से बाजार में दवाइयों का कृत्रिम अभाव पैदा हो गया है और इस कमी की आड़ में इनकी कालाबाजारी की जा रही है। दुकानदारों की माने तो उन्हें खुद ये दवाएं अधिक दर में खरीदनी पड़ रही हैं, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें इनको महंगा ही बेचना पड़ता है, जिससे जनता परेशान हो रही है। ऊपर से माल हमें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिस मात्रा में हमारी सेलिंग होना चाहिए या हो रही है उतना हमें ऊपर से माल नहीं मिल रहा है। डिमांड के अनुसार माल नहीं मिल पा रहा है, तो उस कारण उसकी कालाबाजारी बढ़ रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि रेट से अधिक मूल्य पर भी कुछ चीज़ें बिक रही है, और हाँ हकीकत में बिक रही है, क्योंकि ऊपर से नहीं मिल रही है, लोगों को कालाबाजारी का अवसर मिल रहा है। इस आपदा में लोग कमाने का अवसर ढूंढ रहे हैं, जो कि गलत है। कुछ दवाइयाँ जैसे नाम से चल रही है, जिंकोविट है, एजिथ्रल है, उसके बाद में हमारी लिम्सी है, पेसीमोल, ये चीज़ें शॉर्ट हैं, पेसीमोल है, पैरासीटामोल में, तो ये चीज़ें शॉर्ट है मार्केट में, लोग मुंह से मांग रहे हैं। और थोड़ा सा लोगों को अन्य दवाइयों पर पेसीमोल की जगह और भी कालपोल है, और भी कंपनियाँ हैं जिनकी दवाइयाँ शायद आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स नहीं लिखते हैं, कुछ पेशेंट भी भरोसा नहीं करते हैं। तो डॉक्टर सर, अगर आप स्टॉकिस्ट के पास जाएंगे तो मैं कोई चीज़ अगर स्टॉकिस्ट से मांगता हूँ कि मुझे ये चीज़ दे दो, तो वो हमें ना देंगे, वो सीधे के सीधे कस्टमर को देता है, क्योंकि हमको देगा तो वो कम में देगा, हमें ना देंगे वो सीधे सीधा उसको दे देता है जो नॉर्मल पेशेंट कस्टमर है, डायरेक्ट कस्टमर को देता है और वो अच्छे मार्जिन पर दे देता है। अब जो स्टॉक है सीधा वो चला गया वहाँ पर, हमारे पास है नहीं, अब मेरे पास आएगा तो है नहीं, कस्टमर घूमना परेशान होगा। और सर्जिकल के सीधे सीधे सर्जिकल की सेम बात है, सेम है, सेम चीज़। और सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि डिमांड इस समय ज़्यादा है और आपूर्ति कम है। बिल्कुल, सीधी सी बात ये कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, माल नहीं है, स्टॉक इसमें जमा कर लिया पर हमारे पास माल नहीं है। हम उससे बोलते हैं दो डब्बे दे दो, वो चार पत्ते देते हैं, हम बोलते हैं ये दे दो, कहीं नहीं माल, जबकि सामने देखते हैं तो स्टॉक किसी और को दे रहे हैं। दूसरी ओर बाजार से दवाएं गायब होने के पीछे व्यापारियों के साथ आम लोग भी जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने शॉर्टेज की अफवाह से अपने घर में दवाओं का स्टॉक कर लिया है और बाजार में दवाएं अनुपलब्ध हैं। पंजाब केसरी के लिए नवल यादव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।